हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस, जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसका सेकेंड टॉपिक। और ये आज का हमारा टॉपिक है 8255। ये 8255 इसे बोलते हैं, या फिर बहुत जगह इसे 8255A के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, ए मतलब है एडवांस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करवाने के काम में आता है माइक्रो प्रोसेसर को किसी बाहरी डिवाइस के साथ। तो इसके बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, ये क्या होता है स्टूडेंट। तो ये है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये इनपुट डिवाइस भी है और साथ साथ ये साइमल्टेनियसली आउटपुट डिवाइस की भी तरह काम करता है, ठीक है। और ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो 8255PPP है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब ये क्या करवाता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे स्टूडेंट प्रोग्रामेबल का मीन क्या है। प्रोग्रामेबल का मीन ये है कि ये जो है स्टूडेंट, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वेरियस सेट्स ऑफ कंडीशन। अगर कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवेंस हो, कुछ कंडीशंस अगर गिवेन हो, तो ये क्या करता है? उस कंडीशन पे ये क्या करता है? डाटा ट्रांसफ़र करता है। गिवेन कंडीशंस पे ये क्या करेगा? डाटा ट्रांसफ़र करेगा। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट, ये फ्लेक्सिबल है, वर्सटाइल है, बहुत ज़्यादा इस पे ऑपरेशन हो सकता है। बट इसकी जो सर्किटरी है वो थोड़ी सी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं हम डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी, ठीक है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। 8255 का जो फीचर्स है इसके बारे में हम देखेंगे, 8255A फीचर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है स्टूडेंट, ये बेसिकली एक 40-पिन IC है। ये है 40-पिन IC, ठीक है। और उसमें 40 पिन में कुछ डिवीज़न है। 24 पिन्स जो हैं वो इनपुट आउटपुट लाइंस के हैं, इनपुट आउटपुट लाइंस के हैं। और रेस्ट 16 जो हैं वो डाटा पिन्स हैं, एड्रेस पिन्स हैं। वो हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे उनका ऑपरेशन होता है। 16 डाटा स्लैश एड्रेस पिन, ठीक है। तो पहले हम इन 24 पिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट। ये जो 24 पिन्स हैं स्टूडेंट, ये 3 पोर्ट्स में डिवाइडेड है। पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, ओके। ये 3 पोर्ट्स में डिवाइडेड हैं। हर के पास बराबर बराबर नंबर ऑफ लाइंस हैं। क्या है? सारे 8 लाइंस है, सभी के पास 8 लाइंस। इसके पास भी 8 लाइंस और इसके पास भी 8 लाइंस, ठीक है। और ये जो पोर्ट सी है स्टूडेंट, पोर्ट सी के पास डिवीज़न है, यहाँ पे 2 डिवीज़न है, यहाँ पे डिवीज़न है इसकी। एक है सी अपर और दूसरा है सी लोअर। ये डिवीज़न केवल कहाँ पे है? ये डिवीज़न केवल पोर्ट सी पे है, बाकी इन तीनों पोर्ट ए और पोर्ट बी पे कोई डिवीज़न नहीं है। यहाँ पे जो लाइंस हैं इसकी हैं स्टूडेंट A02, A7, बी की है B02, B7 और सी की है C02, C7। जैसा कि ये पोर्ट्स है तो इनके आगे हम पी लगा देते हैं, PA0 तो PA7, ओके। ऐसे इसके जो 24 पिन्स हैं उनका डिवीज़न है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो ग्रुप में ये डिवाइडेड है, दो ग्रुप में डिवाइड है। तो जो दो ग्रुप है इस 24 इनपुट आउटपुट लाइंस की, वो कुछ इस तरह से है। पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, ओके। जो ग्रुप ए है स्टूडेंट, ग्रुप ए में है पोर्ट ए है, पोर्ट ए की सारी लाइन है, सॉरी पोर्ट ए में टोटल 8 लाइन है और सी अपर है। सी क्या है? पोर्ट सी
सी अपर, सी अपर जो सी अपर है स्टूडेंट वो है पी सी फोर से लेके पी सी सेवन तक। तो यहाँ पे आठ और ये चार, टोटल कितने लाइंस हो गए यहाँ पे, 12 लाइंस हो गए। ओके, अब ग्रुप बी में आएंगे। ग्रुप बी में क्या है, पहला तो हमारे पास पोर्ट बी है, इसमें 8 लाइन है पी बी जीरो से लेके पी बी सेवन तक। और यहाँ पे क्या है, सी लोअर है स्टूडेंट। सी लोअर कहाँ से कहाँ तक होती है, सी लोअर होती है स्टूडेंट सी जीरो से लेके सी थ्री तक। तो ग्रुप बी में भी कितने टोटल लाइन हो गए, 12 लाइन। तो ये जो 24 लाइन का डिवीजन है, 12 लाइन है ग्रुप ए में और 12 लाइन है ग्रुप बी में। ग्रुप ए में पोर्ट ए की 8 लाइन और सी अपर मतलब सी फोर से लेके सी सेवन तक। ग्रुप बी में पोर्ट बी की 8 लाइन है और सी लोअर मतलब सी जीरो से लेके सी थ्री तक। अब अगर इन पिन डायग्राम में हम इसके ग्रुप को शो करेंगे स्टूडेंट, तो जैसे 8255A यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी पोर्ट है, सपोज करेंगे हम ये है पोर्ट ए, यहाँ पे है पोर्ट बी, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ये पोर्ट सी अपर है स्टूडेंट। ये क्या है, सी अपर। सी अपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सी अपर मैं बता चुका हूँ, सी अपर का मतलब होता है सी फोर से लेके सी सेवन तक। और इसके बाद है हमारा पोर्ट सी लोअर। सी लोअर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सी लोअर का मतलब होता है सी जीरो से लेके सी थ्री तक। तो जो ये पार्ट हो गया, ये हो गया ग्रुप ए, और जो ये पार्ट हो गया ये हमारा हो गया ग्रुप बी। ओके, तो इस 24 लाइन का कुछ इस तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये हम जितने भी इसमें जितने भी पोर्ट होते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं कि कब वो इनपुट की तरह काम करे और कब वो आउटपुट की तरह काम करे। मतलब सारे पोर्ट्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोग्रामेबल पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स जो हैं प्रोग्रामेबल पोर्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और अब इसमें जो बिट्स हैं और इसके जो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसमें टोटल मोड्स हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, मोड्स इन ग्रुप, मोड्स इन ग्रुप। जो टोटल मोड्स होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो मोड्स हैं। जो पहला मोड है वो हमारा है BSR, इसको हम लोग बोलते हैं बिट सेट स्लैश रीसेट मोड। ये पहला मोड है स्टूडेंट BSR मोड। और जो दूसरा मोड है ये है हमारा I/O मोड, मतलब इनपुट आउटपुट मोड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कैसे पोर्ट्स के ऑपरेशन होते हैं और बाकी 16 पिन हैं वो कैसे काम होते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको इस टॉपिक का रिवाइज करवा देना चाहूँगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा इसको है जो 8255 है, ये क्या है, एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो इंटरफेस करवाता है बिटवीन टू डिवाइस। इसकी एडवांटेज है ये फ्लेक्सिबल है, वर्सटाइल है, बट इसकी सर्किटरी थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हम पिन्स पे आएंगे, इसमें टोटल 40 पिन होते हैं। ओके, और जो 24 पिन है स्टूडेंट वो क्या है, इनपुट आउटपुट लाइंस के होते हैं, ठीक है। 24 पिन जो है वो तीन पोर्ट में डिवाइडेड है, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, सभी के पास 8 लाइंस हैं, A0 टू A7, B0 टू B7 और C0 टू C7। जो पोर्ट सी है स्टूडेंट वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सी अपर और सी लोअर। जो सी लोअर है स्टूडेंट ये है C0 टू C3 और जो सी अपर है स्टूडेंट ये है C4 टू C7। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसमें दो ग्रुप डिवाइडेड है, ग्रुप डिवाइडेड है। पहला ग्रुप है ग्रुप ए, इसमें है पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर। दूसरा है ग्रुप बी, इसमें है पोर्ट बी और सी लोअर। ओके, और यहाँ पे इसका मैंने पिन डायग्राम का एक रफ स्केच बनाया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी को शो कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल दो मोड्स होते हैं, एक BSR मोड और एक है IO मोड। ओके स्टूडेंट्स, इन मोड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।